नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड़ियानी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। आज की कक्षा में हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक राजनीति विज्ञान के अध्याय 6 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है राजनीतिक दल, भाग 1। आज की कक्षा के मुख्य बिंदु होंगे जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला, राजनीतिक दल का अर्थ। दूसरा टॉपिक होगा राजनीतिक दल के तत्व या हिस्से। तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल की जरूरत, और फिर उसके पश्चात राजनीतिक दल के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, और अंत में पढ़ेंगे दलीय व्यवस्था के बारे में, यानी कि दलीय प्रणाली के बारे में। और आज इन मुख्य बिंदुओं को पढ़ने के उद्देश्य होंगे। पहला, विद्यार्थी राजनीतिक दल का अर्थ समझ सकेंगे, वे राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में निभाई जाने वाली भूमिका को जान पाएंगे। तीसरा होगा, राजनीतिक दलों के कार्यों को समझ पाएंगे। और चौथा उद्देश्य, वे दलीय प्रणालियों के मध्य, विभिन्न दलीय प्रणालियों के मध्य अंतर स्पष्ट करने में सक्षम होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब समझते हैं सबसे पहले टॉपिक को, जिसका नाम है राजनीतिक दल का अर्थ। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा जब चुनावों का समय आता है तो उस समय आपने कई सारे नेताओं को आपके गली मोहल्ले शहर गांव में आते हुए आपने देखा होगा। कई प्रकार की वो सभाएं और रैलियां करते हैं। ये लोग कौन होते हैं? ये लोग होते हैं चुनाव में उम्मीदवार, और बहुत सारे लोग उनके साथ में समर्थक। तो ये उम्मीदवार जो होते हैं या तो किसी राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं या फिर निर्दलीय होते हैं। अधिकांशतः ये राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। तो इसलिए हमें समझना जरूरी है कि राजनीतिक दल क्या होता है। राजनीतिक दल लोगों का वह समूह होता है जो राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ते हैं, या वो सरकार बनाने के लिए और राजनीतिक सत्ता को हथियाने का प्रयास करते हैं, वो राजनीतिक दल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लोगों का ऐसा कोई भी समूह जो चुनाव ना लड़ता हो उसे हम राजनीतिक दल नहीं कह सकते। तो राजनीतिक दल क्या होता है? लोगों का वह समूह होता है जो चुनाव लड़ने के लिए इकट्ठा होते हैं, समान उद्देश्यों के साथ इकट्ठा होते हैं, और उनकी नीति और निर्माण जो नीति और कार्य नीतियाँ और कार्यक्रम जो होते हैं वो भी एक जैसे होते हैं, और उनके उद्देश्य भी एक जैसे होते हैं, और वो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहते हैं और सरकार बनाने का भी प्रयत्न करते रहते हैं। दूसरा टॉपिक है राजनीतिक दल के तत्व या हिस्से। तो प्यारे बच्चों, इसके तीन तत्व होते हैं। पहला तत्व है नेता, दूसरा है सक्रिय सदस्य, और तीसरा है अनुयायी या समर्थक। कोई भी राजनीतिक दल इन तीन तत्वों के बिना अधूरा है, या हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दल के निर्माण के लिए तीनों ही तत्व आवश्यक हैं। जैसे नेता लोग राजनीतिक दल को चलाते हैं, उसकी नीतियाँ बनाते हैं, राजनीतिक दल के कार्यक्रम निर्धारित करते हैं और विभिन्न प्रकार के निर्णय लेते हैं। तो बिना नेताओं के राजनीतिक दल का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे विभिन्न प्रकार के नेताओं को आप जानते हैं, देश के बड़े बड़े नेताओं को जानते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, सोनिया गांधी कांग्रेस के नेता हैं, इसी प्रकार से बहुत सारे अन्य नेता हैं जो दूसरी पार्टियों से हैं, मुलायम सिंह यादव है, ममता बनर्जी है, लालू प्रसाद यादव है, इस तरह के अनेक नेता हैं जो अपने अपने राजनीतिक दलों को चला रहे हैं या राजनीतिक दलों के नीति निर्माण में काफ़ी अत्यंत और महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा रहे हैं। दूसरा तत्व है सक्रिय सदस्य। ये वो लोग हैं जो राजनीतिक दल के लिए समर्थन जुटाते हैं। सक्रिय सदस्य वो होते हैं जो अपने बड़े बड़े नेताओं के साथ में चुनाव में सहयोग करते हैं और अपने राजनीतिक दल के लिए वो समर्थन जुटाते हैं, या फिर एक तरह से लोगों को अपने फेवर में लाने की कोशिश करते हैं। ये होते हैं सक्रिय सदस्य। आपने अपने आसपास में चुनावों के समय ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बड़े बड़े नेताओं के साथ में व्हाइट कुर्ता और पाजामा पहनकर घूमते रहते हैं। तो ये कौन होते हैं? ये होते हैं सक्रिय सदस्य। और तीसरा तत्व है
अनुयायी या समर्थक, ये वो लोग होते हैं जो चुनाव में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ तो नहीं घूमते हैं, लेकिन ये एक प्रकार से समर्थक होते हैं। जब वोट, जब चुनाव होते हैं, तो उस समय वो किसी एक दल को फॉलो करते हैं, उसकी नीतियों का समर्थन करते हैं और उसके फेवर में वो वोट डालते हैं। तो ये अनुयायी होते हैं, समर्थक होते हैं, जो बड़ी संख्या में अपने अपने राजनीतिक दलों को समर्थन देते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गए तीन तत्व। अब चलते हैं अगले मुख्य बिंदु की तरफ। मेरे बच्चों, आप पढ़ते हैं तीसरा टॉपिक, यह है राजनीतिक दल की जरूरत, कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों, बिना राजनीतिक दलों के हम लोकतंत्र को किसी भी प्रकार से लागू नहीं कर सकते, या ये कह सकते हैं कि बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है या कोई अस्तित्व नहीं है। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में राजनीतिक दलों का बहुत महत्व है। सबसे पहला इसमें आप ये देख सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में बिना राजनीतिक दलों के सरकार बनाना ही संभव नहीं है, यानी कि सरकार बनाना लगभग असंभव लगता है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से लेकर और आज तक सरकारें जो बनी हैं वो किसने बनाई हैं? राजनीतिक दलों ने बनाई, चाहे वो कांग्रेस ने बनाई हो, या वो जनता पार्टी ने बनाई हो, या फिर वो बीजेपी ने बनाई है। ये सभी तरह की जो सरकारें भारत में बनी हैं या विभिन्न राज्यों में जो सरकारें चल रही हैं, वो किसी न किसी राजनीतिक दल ने बनाई है। तो बिना राजनीतिक दल के सरकार बनाना असंभव क्यों लगता है? क्योंकि बिना राजनीतिक दलों के सभी लोग क्या होंगे? निर्दलीय होंगे और स्वतंत्र उम्मीदवार होंगे। वो सभी अपनी अपनी लोकसभा सीटों से तो जीत जाएंगे, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो जीत कर आ जाएंगे, लेकिन फिर उसके पश्चात नीति कौन बनाएगा और सरकार कैसे बनेगी, किस प्रकार की जो है नीति निर्माण होगा, किस प्रकार से निर्धारण होगा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल जो है क्लियर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों के बिना सरकार बनाना असंभव लगता है। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय एकता को खतरा। बिना राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय एकता को खतरा हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दल हैं जो एक राष्ट्र को अपने अपने समर्थकों के माध्यम से वो बांध कर रखते हैं, एक राष्ट्र को जोड़ कर रखते हैं, जनमत का निर्माण करते हैं और राजनीतिक जागरूकता फैलाते हैं। अगर राजनीतिक दल ही नहीं होंगे तो ये कार्य अत्यंत मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा आता है नीति निर्माण, यानी कि नीति निर्माण जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। राजनीतिक दल नहीं होंगे तो नीति निर्माण करने वाला कोई नहीं होगा। अभी तो सारे नेता जो होते हैं वो अपने अपने दलों के जो नीतियों के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन जब दल ही नहीं होंगे तो नीतियाँ कौन बनाएगा और कौन नीतियों के अनुसार काम करेगा। चौथा पॉइंट है उचित प्रतिनिधित्व का अभाव। राजनीतिक दलों के बिना देश में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो भी नेता चुनाव जीत कर और लोकसभा या अपने अपने लेजिस्लेचर में पहुंचेंगे, वो सिर्फ अपने ही एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे और अपने ही एरिया का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन एक विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व, समाज में विभिन्न जो समूह होते हैं उनका प्रतिनिधित्व बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अंत में पांचवा पॉइंट है कि लोगों की समस्याओं का निदान जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों के विभिन्न समर्थक होते हैं, विभिन्न सदस्य होते हैं जिनसे आप संबंध साधते हैं या अपने अपने प्रतिनिधि से जाकर आप मिल सकते हैं। तो राजनीतिक दल जो होते हैं वो एक तरह से लोगों की समस्याओं का निदान करने में सहायक होते हैं, और यदि राजनीतिक दल नहीं होंगे तो ये काम काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये टॉपिक था कि राजनीतिक दल की जरूरत हमें क्यों होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में राजनीतिक दल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है राजनीतिक दलों के कार्य। अभी तक हम जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि राजनीतिक दल करते क्या है, राजनीतिक दलों के कार्य क्या है। सबसे पहला कार्य है चुनाव लड़ना। जैसे कि हम देख चुके हैं कि राजनीतिक दल वही होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव लड़ना इसका एक मुख्य कार्य है राजनीतिक दल का। चुनाव लड़ने के लिए ये लोग क्या करते हैं? अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपने समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं, विभिन्न प्रकार से वो प्रचार करते हैं, प्रचार व प्रसार के माध्यम से अपना समर्थन जुटाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने का प्रयत्न करते हैं ताकि वो चुनाव में जीत सके। तो ये पहला कार्य हो गया चुनाव लड़ना किसी भी राजनीतिक दल का। दूसरा कार्य है नीतियों का निर्माण करना। राजनीतिक दल क्या होते हैं? अपने 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 दल में नीति और कार्यक्रम का निर्धारण करते हैं,
वो इस प्रकार की नीतियां बनाते हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम बनाते हैं जिनके माध्यम से वो लोगों में समर्थन जुटा सके या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अपने अपने पक्ष में वो समर्थन जुटा सकें और अपने पक्ष में उन लोगों को कर सकें ताकि वो चुनाव जीतने में उनको काफ़ी आसानी हो। तो ये होता है नीतियाँ और कार्यक्रम का निर्धारण करना। तीसरा कार्य है सरकार बनाना। सरकार बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि सरकार बनाने के लिए ही राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और वो अपने अपने समर्थन अपने अपने जो सदस्य होते हैं उनको एक्टिव रखते हैं और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन वो जुटा सकें। सरकार क्यों बनाते हैं? ताकि उनके उनके पास राजनीतिक सत्ता आ जाए, उनके पास शक्ति आ जाए और वो अपने नीतियों और कार्यक्रमों को अच्छे प्रकार से लागू कर सकें, लोगों के हितों के अनुसार उनको लागू कर सकें या सामूहिक हित के लिए उन निर्माण या नीतियों को और कार्यक्रमों को लागू कर सकें। तो ये जो है सरकार बनाना एक काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य हो गया। इस चौथा कार्य है राजनीतिक दलों का कानूनों का निर्माण। सरकार बनाने के पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो राजनीतिक दल करते हैं वो होता है कानूनों का निर्माण करना। और जो दल सरकार में नहीं होते हैं वो भी कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि कानूनों का निर्माण कहाँ होता है? विधायिका में होता है, विधानपालिका में होता है, यानी कि भारत के लिए कानूनों का निर्माण संसद में होता है। तो संसद में वो एमपी भी बैठते हैं जो राजनीतिक दल जिसने सरकार बना रखी है उसके सदस्य होते हैं, वो भी होते हैं जो विपक्षी दलों से होते हैं या दूसरे दलों से होते हैं जो सरकार में नहीं होते हैं। तो सभी लोग मिलकर, सभी नेता लोग मिलकर और सभी राजनीतिक दल मिलकर कानूनों का निर्माण करते हैं और ये इसका अगला कार्य है। इसके बाद अगला कार्य इसका होता है विपक्ष की भूमिका निभाना। राजनीतिक दलों का अगला कार्य है विपक्ष की भूमिका निभाना कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं लेकिन सभी राजनीतिक दल सरकार नहीं बना सकते। तो जो सरकार बनाते हैं वो तो सरकार में हो गए, लेकिन जो सरकार नहीं बना पाए वो राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और वो कई सारे अवसरों पर सरकार को एक तरह से वॉच करते हैं या फिर उस पर ऑब्जर्वेशन रखते हैं और सरकार की सभी प्रकार की नीतियों और कार्यक्रमों का अवलोकन करते हुए लोगों को जागरूक करते हैं और कौन से कार्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं जो जो है अच्छे नहीं है, कौन से कार्य हैं जो अच्छे हैं, इस प्रकार से वो लोगों को राजनीतिक जागरूकता देते हैं और विपक्ष की भूमिका वो निभाते हैं। राजनीतिक दलों का अगला कार्य है जनमत का निर्माण करना। प्यारे बच्चों, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। राजनीतिक दलों के नेता सभा और रैलियों के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाते हैं, अपने विचार लोगों तक पहुंचाते हैं और दूसरे दलों में, दूसरी विचारधाराओं में जो कमियां हैं वो लोगों को बताते हैं। तो विभिन्न विचारधाराओं को सुनने के पश्चात लोगों का एक विचार बनता है, वो एक निर्णय पर पहुंचते हैं जिसे हम जनमत कहते हैं। और इसी प्रकार से राजनीतिक दल जो है वो जनमत का निर्माण करते हैं। आपने टीवी पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को विभिन्न मुद्दों पर बहस करते हुए सुना होगा, वाद विवाद करते हुए सुना होगा। तो सभी नेताओं के विचारों को सुनने के बाद हम एक निर्णय पर पहुंचते हैं और उस निर्णय को ही हम अपना विचार बना लेते हैं जिसके आधार पर जनमत का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक दलों का एक महत्वपूर्ण कार्य है जनमत का निर्माण करना। प्यारे बच्चों, सभी कार्यों को समझने के बाद कि राजनीतिक दलों के क्या कार्य होते हैं, अभी देखते हैं इन तीन पिक्चर्स को। राजनीतिक दलों की गतिविधियां दर्शाने वाली ये तस्वीरें हैं, आपको इनका वर्गीकरण करना है और ऊपर बताई गई सभी गतिविधियों से संबंधित अपने इलाके की कोई तस्वीर या खबर की कतरन भी आपको ढूंढनी है। ये काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पहले इनका वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये वाली पिक्चर, इसमें दिखाया गया है भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता प्याज और रसोई गैस की कीमतें बढ़ने के विरोध में प्रदर्शन करती हुई। तो इसको आप किस कैटेगरी में ले सकते हैं, ये विपक्षी दल की भूमिका आपको यहाँ पे पता लगेगा क्योंकि ये उस समय की तस्वीर है जब भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी थी और उसकी जो महिला मोर्चा विंग है उसने ये सरकार के खिलाफ जो प्याज और रसोई गैस की जो कीमतें बढ़ी उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया। तो यहाँ पे ये
ये पहली तस्वीर है, हम इस वर्गीकरण में ले सकते हैं विपक्ष की भूमिका, या फिर लोगों की मांगों को सपोर्ट करना, लोगों की समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना, ये इस कैटेगरी में आप इसको ले सकते हैं। इसके पश्चात चलते हैं दूसरी पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, दिस वन। इसमें दिखाया गया है इस पिक्चर में कि जहरीली शराब पीने से मरे व्यक्तियों के परिवारों को 1,00,000 रुपये का चेक देते मंत्री। तो मंत्री जो है वो सरकार में होते हैं, क्योंकि मंत्री राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं और राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं। तो यहाँ ये राजनीतिक दल के कार्य में ही आ गया कि लोगों की सहायता करना या विभिन्न प्रकार के जो स्थितियाँ हैं उनमें लोगों की सहायता करना, आर्थिक सहायता करना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। तीसरी जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये कोरिया की एक कंपनी आई इंडिया में, पोस्को, उड़ीसा से लौह अयस्क निर्यात करने की अनुमति दे दी गई थी सरकार द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा उड़ीसा में, जहाँ पे माकपा, भाकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ओजीपी और जद, जनता दल सेक्युलर के कार्यकर्ता हैं, ये सभी जुलूस निकाल रहे हैं, ये सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो सरकार ने कोई एक विशेष नीति अपनाई और वो नीति गलत है, ये राजनीतिक दल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नीतियाँ गलत हैं और इनको वापस लिया जाए और ये लोगों के पक्ष में नहीं है। तो एक तरह से ये लोगों के लिए ये जागरूकता अभियान हो गया, या लोगों को जागरूक बनाने के लिए सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ ये रोड मार्च कर रहे हैं या जुलूस निकाल रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं आज के अंतिम मुख्य बिंदु की तरफ, ये है दलीय व्यवस्था या दलीय प्रणाली, और दूसरे शब्दों में कहें तो कितने राजनीतिक दल होने चाहिए, ये आज का अंतिम बिंदु है। आप जानते हैं कि राजनीतिक दल एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु अब प्रश्न ये उठता है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाने के लिए कितने राजनीतिक दल आवश्यक हैं या कितने राजनीतिक दल होने चाहिए। यदि हम भारत की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनावों में चुनाव आयोग के पास 800 से अधिक राजनीतिक दल पंजीकृत रहे, तो क्या ये सभी दल सरकार बनाने की स्थिति में होते हैं, या यूं कहें कि ये कड़ी टक्कर दे पाते हैं दूसरी पार्टियों को, बड़ी पार्टियों को? तो आप जवाब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि कुछ ही राजनीतिक दल हैं जो शक्तिशाली हैं, कुछ ही राजनीतिक दल हैं जो सरकार बनाने की स्थिति में होते हैं। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि सभी राजनीतिक दलों का अपनी अपनी जगह पर महत्व है। इसी आधार पर कि देश में कितने राजनीतिक दल हैं, हम दलीय प्रणाली को समझ सकते हैं। मुख्य रूप से पूरे विश्व में 3 प्रकार की दलीय प्रणालियां पाई जाती हैं, ये इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है एक दलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली या यूनि पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम वह प्रणाली होती है यदि किसी भी देश में एक ही राजनीतिक दल है और उसी का वर्चस्व है, तो उसे हम एक दलीय प्रणाली कहते हैं। जैसे चीन में और रूस में इस प्रकार की प्रणालियां पाई जाती हैं, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है जिसका वर्चस्व है, वही अपने अलग अलग उम्मीदवार खड़ा करती है और सरकार उसी पार्टी की बनती है, तो इसको हम कहते हैं एक दलीय प्रणाली। दूसरा है द्विदलीय प्रणाली। यदि किसी देश में 2 दलों की प्रमुखता होती है या 2 ही दल वर्चस्व में रहते हैं, तो उसे हम द्विदलीय प्रणाली कहते हैं और यही सरकार बनाने की स्थिति में होते हैं। जैसे ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका में ये व्यवस्था पाई जाती है जहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, ये 2 राजनीतिक दल हैं। तो इस प्रकार से यदि देश में 2 राजनीतिक दलों की प्रमुखता होती है, तो उसे हम द्विदलीय प्रणाली कहते हैं। और इसके पश्चात है बहुदलीय प्रणाली, यानी कि अनेक दलों का होना। जब 2 से अधिक राजनीतिक दल किसी देश में वर्चस्व में पाए जाते हैं, तो उसे हम बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। जैसे भारत, बांग्लादेश या पाकिस्तान, इनमें अनेकों राजनीतिक दल हैं,
यद्यपि सभी राजनीतिक दल सरकार में नहीं होते हैं, सभी राजनीतिक दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होते हैं, लेकिन इसमें समाज को अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है और ये अधिक लोकतांत्रिक है। प्यारे बच्चों, वैसे तो तीनों ही जो दलीय प्रणालियां हैं उनके अपने अपने गुण या दोष हैं, लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक दृष्टि से हम बहुदलीय प्रणाली को सबसे अच्छा मानते हैं। 1998-99 के पश्चात भारत में दो गुटों का वर्चस्व पाया जाता है। ये दो गुट विभिन्न राजनीतिक दलों से मिलकर या विभिन्न राजनीतिक दलों के समूह हम इनको कह सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसको हम NDA कहते हैं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो है प्रमुखता है, या BJP इसका एक लीडिंग राजनीतिक दल है। दूसरा UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको हम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहते हैं, और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्चस्व है, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी UPA के अंदर कांग्रेस पार्टी रही है। लेकिन फिर भी हम दो गुटों के होने के बावजूद इसको हम द्विदलीय प्रणाली नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें अनेकों दलों का योगदान रहता है और कई पार्टियों से मिलकर ये गुट बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज के मुख्य बिंदु। हमने क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। राजनीतिक दल का अर्थ हमने सबसे पहले समझा, इसके पश्चात हम तत्व और हिस्सों के बारे में हमने डिस्कस किया। राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों होती है ये पढ़ा, उसके पश्चात हमने अध्ययन किया राजनीतिक दल के कार्यों का, और अंत में दलीय प्रणाली या व्यवस्था का। अब बारी है गृह कार्य की। इन प्रश्नों के उत्तर अपने नोटबुक में लिखें। पहला प्रश्न है, राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके तत्व या हिस्सों का वर्णन करो। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्रों में राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है। तीसरा प्रश्न है, राजनीतिक दलों के विभिन्न कार्यों का वर्णन करो। और अंतिम प्रश्न है, दलीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, आधुनिक विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न दलीय प्रणालियों का उदाहरण सहित वर्णन करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।